नमस्कार, मैं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। आज की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि पूरे देश, पूरे विश्व में कोरोना का कहर जारी है और उस कोरोना के जो कहर था उसकी छाया देवभूमि में सबसे महत्वपूर्ण चार धाम यात्रा पे भी पड़ गई है। चार धाम यात्रा पर कोरोना का जो असर है वह आज उस समय दिखाई दिया जब बाबा बद्रीनाथ का कपाट 30 तारीख को खुलना था लेकिन उसमें परिवर्तन किया गया। अब बाबा बद्रीनाथ का कपाट 15 मई को खोला जाएगा। सुबह 4:30 बजे पूजा अर्चना के साथ बाबा के दर्शन आम आदमी के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन ये जो पूजा विधि होगी ये पूरा जो शासन के द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं उसके तहत वहां पे पूरा पूजा अर्चना की जाएगी, वहां पे उसी हिसाब से लोगों की उपस्थिति होगी। आज ये बड़ा निर्णय लिया गया है। टिहरी के राजा के निर्देश के बाद यहाँ पे पर्यटन मंत्री और मुख्यमंत्री ने विचार विमर्श के बाद ये चीजें सामने लाई। प्रश्न ये बनता है कि क्या आज तक जब से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए हम लोगों के सामने या हम लोग उनके दर्शन करते आए हैं या हमारे पूर्वज करते आए हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है? साथ में हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि बाबा बद्रीनाथ का जो पूजन विधि कैसे होता है, बाबा बद्रीनाथ की जो यहाँ पे पूजा शुरू हुई कब से हुई। इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में हमारे साथ अपने मंदिर प्रांगण से आचार्य शशिकांत दुबे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आज तो आप पूरे एकदम लग रहा है कि आज स्टूडियो में बैठे हैं आचार्य जी। नमस्कार। मैंने कहा आज आपका लग रहा है कि जैसे आप स्टूडियो में ही बैठे हैं जी। ये आप सब महान चैनल के प्रणाम की कृपा है। दूसरी हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और हैं, पंडित खुशीराम मैठानी जी, जो कि उत्तराखंड की मिट्टी को भली बात से जानते हैं। पूरे देश में ये पूजा पाठ के लिए जाते रहते हैं लेकिन इनका इसलिए यहाँ रहना महत्वपूर्ण होता है और इस परिचर्चा में भाग लेना महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये बाबा बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ चारों धाम यात्रा के विषय में ये हमें और आपको भी बताएंगे। हम शुरुआत वहीं से करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैठानी जी आपका। धन्यवाद मैठानी जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रहा है मैठानी जी। हम शुरुआत आपसे ही करते हैं कि ये जो तिथि, जिस निर्धारित तिथि को पहले निर्धारित की गई थी कि बाबा बद्रीनाथ का कपाट 30 तारीख को खोला जाएगा, अब उसमें परिवर्तन किया गया है और वह 15 मई को खोलने की बात हो रही है, तो क्या आप बताएंगे कि ऐसा पहले भी कभी ऐसा हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो क्या ये जो निर्धारित तिथि की गई है 15 तारीख, या क्या ये उस शास्त्र और उस लग्न के अनुसार ही है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, भूयोर्भूपति मंगल, भूयोर्भूपति मंगल। वराहपीडम नटवर वपुः, कर्णयो कर्णिकारम्, बिभ्रद्भासं कनक कपिशाम्, वैजयन्तीं च माराम्, वेणुरन्द्यां हृदय सुदया, पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं सुभगरमणम्, गोविन्दं केवलं ज्ञानमूर्ति, गंगा सुमति गोपति गणपति गोविन्द गोवर्धन, गीता तुमय गौर जागिर सतह, गंगा धरो गौतम, गायत्री गरुड़ो गदा गिर गज, गंभीर गोदामर, गंधर्व गोप गोकुल गण, गुरुवंतो मंगलो,
कुर्वन्तु मंगलम। सबसे पहले आईटीवी हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से हमारे संजय श्रीवास्तव जी इस चैनल के सेना नायक है और आपके ही द्वारा आज हमें आज चैनल पे निमंत्रण मिला और निमंत्रण को स्वीकार करते हुए सबसे मैं भारत वर्ष के ऊपर जो ये महामारी का प्रकोप आया है, मार्कंड पुराण में कहा है, मार्कंड ऋषि ने कहा है देवी जी के आराधना के समय की जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमम शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते की, अगर हमारे भारतवर्ष में या इस भूखंड के अंदर ब्रह्मांड के अंदर किसी भी भूमि के अंदर किसी जला जल में थल में वायु में कहीं भी ये प्रकोप अगर महामारी का रूप लेता है, उस महामारी को दोष निवारण के लिए महाभगवती महाकाली की उपासना करना, इस मंत्र का जाप करने से ये महामारी दोष का निवारण होता है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया है कि क्या चारों धाम का जो हमारा गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ जो चारों धाम है, इन धामों की तिथि आज से पहले कभी ऐसा हुआ कि तिथि बदली गई समय के अनुसार, तो हमेशा 7 से लेकर 9वीं सदी के बीच में जो बद्रीनाथ जी की स्थापना हुई है आज तक कभी कोई ऐसा महामारी का प्रकोप नहीं आया भारत वर्ष के अंदर जो तिथि को आगे पीछे किया गया हो। तो महामारी का जी कोरोना का प्रकोप आने के कारण शास्त्रों में भी वर्णित शब्दों की में लिखा है कि अवस्था और व्यवस्था के अनुसार इस तिथि को आगे बढ़ाया गया है और इसलिए हमारा जो टिहरी गढ़वाल का जो इस गढ़वाल का जो महाराजा है महाराजा परिवार है राज परिवार है और हमारे जो यहाँ की मुखिया उत्तराखंड के देवभूमि के रावत जी दोनों की मंत्रणा के सानिध्य में और जो हमारे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी 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 मंत्रणा के बीच में और तब इस तिथि को आगे 30 से लेकर के 15 मई को नियोजित किया गया है और इसके बाद में जो हमारे भारतवर्ष के जो भगवान की स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए वो नारायण भगवान वैकुंठ का जो द्वार है वहां पे 15 मई को भगवान की पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम और निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, ऐसी नारायण भगवान के सानिध्य में जो हमारे केरल के नमोदरी परिवार की जो ब्राह्मण है उनके द्वारा नारायण भगवान की जो है आराधना की शुरुआत होती है, फिर निमरी परिवार से आराधना करने के लिए आरती पूजा का वहाँ विधान है और फिर अन्य कई ब्राह्मण परिवार भी है और क्षत्रिय परिवार भी वहाँ बद्रीनारायण के मंदिर में पूजा करते है। ये कहते हैं महाराज जी कहते हैं कि कोरोना का जो प्रकोप है जी, जब रावल साहब आते हैं तो रावल साहब के आने के बाद इसलिए डेट का जो परिवर्तन किया गया क्योंकि उनको भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है और इन चीजों को देखते हुए उनको जब 14 दिन वो बाहर रहेंगे और उसके बाद लग्न मुहूर्त जो मिला है 15 तारीख का सुबह 4:30 बजे का इसलिए निर्धारित किया गया। आचार्य शशिकांत दुबे जी जी मेरा आपसे सीधा सा प्रश्न है कि बाबा बद्रीनाथ जी का जो शुरुआत हुआ या भगवान ने जब जी वहां पे अवतरित हुए तो किस सदी में हुए किस परिस्थिति में हुए? देखिए मैं बताना चाहूंगा, पहले तो आईटीपी हिंदुस्तान चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा आपके जन सदन में रखा है और इस समय हमारे देश के ऊपर जो संकट की घड़ी चल रही है कोरोना नामक वायरस के तहत जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, लॉकडाउन को देखते हुए भगवान श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि में परिवर्तन किया गया है, क्योंकि जैसा कि आपने बतलाया अभी कि जब जो नंबूदरी पाद रावल वहां आएंगे तो 14 दिनों के लिए उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा और जब क्वारंटाइन के बाद जो अवधि पूरी करके आएंगे तो
यह गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा निर्णय है, मैं स्वागत करता हूं ऐसे फैसले का। बताना चाहूंगा कि 8वीं शताब्दी में जैसा कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में श्री बद्रीनाथ भगवान जी की स्थापना आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, और विष्णु पुराण, स्कंद पुराण एवं महाभारत में और भविष्य पुराण आदि पुराणों में इनका जो है वर्णन मिलता है। मैं बताना चाहूंगा कि यह स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में की थी, और विशेष रूप से आपको बतलाना चाहूंगा कि नारद कुंड से निकाल करके आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी। इसके पूर्व एक पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यह जो मूर्ति है ये शालिग्राम शिला से बनाई गई है, और यह 1 मीटर लंबी मूर्ति है। तो आदरणीय श्रीवास्तव जी, मैं बताऊं, इसके पूर्व ऐसा वर्णन मिलता है और तमाम इतिहासकारों ने बतलाया है कि जो है पूर्व में प्राचीन काल से देवताओं ने जो है भगवान बद्रीनाथ जी की स्थापना की थी, और ऋषि मुनियों को वहां का पूजक अर्चक निर्धारित किया था। कालांतर में जब बौद्धों का आधिपत्य स्थापित हुआ तो उस समय बौद्ध लोग भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति मान के पूजा करने लगे। तत्पश्चात जब शंकराचार्य जी 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में यहाँ आए, और हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कमर कसी, और बौद्धों को जब भगाया तो तिब्बत की तरफ भागते समय बौद्धों ने बद्रीनाथ जी की मूर्ति को पुनः अलकनंदा में नारद नारद कुंड के पास जो है फेंक करके चले गए। वही जो है मूर्ति नारद कुंड से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने निकाली और वहां पर स्थापना की। और मैं बताना चाहूंगा, ये हिंदुस्तान के अंदर जो 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और इसके पश्चात द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो केरल के नंबूदरी पार रावलों को यहाँ पूजक अर्चक बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक सूत्र में भारत के चारों कोनों को एक सूत्र में पिरोने का। यदि केरल का रावल यहाँ जो है बद्रीनाथ में पुजारी रहेगा तो दक्षिण से लेकर के कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूर्वी भारत से लेकर के पश्चिमी भारत तक का एक सूत्र में पिरोने का उन्होंने काम किया है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि यह आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब स्थापना की थी, इसके पश्चात की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश कि भगवान बाबा बद्रीनाथ जी का जो महाभिषेक होता है कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, तब तक मैं अपने पंडित खुशीराम जी के पास आता हूँ। खुशीराम जी, कहते हैं कि देवभूमि है, बाबा बद्रीनाथ जी का डेट तय कर लिया गया 15 तारीख, हो सकता है कल तय, बाबा केदारनाथ का भी 14 तारीख तय हो जाए, लेकिन इन परिस्थितियों में जो लगन मुहूर्त परिवर्तित किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि वह अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, आम जन के लिए शुभ होगा? तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारा बलं चंद्र बलं तदेव विद्या बलं देव बलं तदेव लक्ष्मी पते ते गुरुयः स्मरामि। हमारी भारतवर्ष की परंपरा है कि कोई भी कदम रखना है फूंक मार के, जी 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 और फूंक कैसा हो कि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव, जो मुख्य नक्षत्र है अक्षय तृतीया, पर्व के जो दिन है, अष्टमी तिथि हो गई, पूर्णिमा तिथि हो गई, इस समय भारतवर्ष की जो हमारे तीर्थ है, देवस्थान है, मंदिर है, तो देवालय है, इन मंदिरों में जो ऊंचे हिमगिरी पर्वतों से ढके रहते हैं, तो उनके द्वार जो कपाट है, पूजन है, उसका समय इसमें निश्चित होता है।
अवस्था विवस्था, मैंने पहले भी कहा था कि अवस्था और विवस्था के अनुसार हमारे पास समय क्या है कि महामारी कोरोना का दोष आने के कारण भारत वर्ष में ये समय अभी परिवर्तन किया गया है। देखिए ठीक होना ना होना ये सब ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन हमें केवल एक तदेव लग, अगर हमने दूसरा लगन निकाला 15 मई भी निकाला तो उसमें तिथि नक्षत्र योग कर्ण मीव च कि हमने कौन से लगन में भगवान के द्वार को जाकर के नतमस्तक होकर के और भगवान की उस आराधना को जो है स्वीकार करना कि प्रभु आज हम क्षमा याचना के साथ में आपके दर्शनार्थ जो है 15 दिन के बाद आपका जो है दर्शन कर रहे हैं और देशवासी आज से आपके दर्शन के लिए आएंगे। तो ये बाबा बद्रीनाथ धाम की महत्ता के बारे में है और जब भगवान का कोई भी कार्य होता तो मेरे ख्याल से लक्ष्मी जी अमावस्या में ही घर में प्रवेश करती है। जी जी, अमावस्या पितृदेवताओं का दिन बताया गया है। पंडित जी जैसे आप ये जो तिथि आई है तो क्या जो पूजा चलती रहती है, जैसे कहते हैं कि पूजा रुकती नहीं, तो क्या वो पूजा इसी तरह से 15 तारीख तक चलती रहेगी? हमारा जो भारतीय परंपरा के अनुसार कि जब बद्रीनाथ से डोली नीचे उखी मटाती है जी और जोशी मटाती है, बाबा की जो है केदारनाथ की उखी मटाती है और बद्रीनाथ की जोशी मठ में आती है, तो इस बीच जो 6 महीने का समय होता है तो वह नारद जी पूजा करते हैं और नारद जी को फिर 15 दिन और एक्स्ट्रा, जब हम कोई ब्राह्मण पूजा नहीं करेगा तो नारद जी को स्वयं वहां पे भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। तो जैसे बाबा बद्रीनाथ जी का कपाट खुलेगा और उन्होंने कहा है कि सिलेक्टेड लोग, मतलब ये जो कोरोना महामारी चल रही है उसके मद्देनजर लिमिट लोग, मतलब लिमिटेड लोग जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आम जन के लिए अगर वो मंदिर नहीं खोला जाएगा, जैसा आप लोगों के यहाँ हो रहा है, आप लोग मंदिर में पूजा अर्चना तो कर रहे हैं लेकिन दर्शनार्थियों के लिए या भक्तों के लिए आपने नहीं खोल रखा है, तो क्या वहां भी भक्तों के लिए अभी वर्जित रहेगा या वहां जाने से रोका जाएगा? अभी तो समय, अभी जो ज्योतिष के अनुसार जो तीसरा नेत्र शंकर जी का बताया गया वही ज्योतिष भी बताती है। जी जी, अभी का जो समय है मई का महीना, वैशाख और आधा जेठ इसी प्रकोप के साथ में रहने का योग संभवता बना हुआ है जी। और ये सरकार निर्णय ले कि आगे की ऐसी व्यवस्था करें कि जनता जनार्दन तो मानने वाले में असंभव है। सही बात, धर्म धर्म ऐसा है। अच्छा शशिकांत दुबे जी, आवाज आ रही है? ये आ रही है, आपकी आवाज हमें आ रही है। जी, जी। जो हमने आपसे एक प्रश्न किया कि जैसे बाबा बद्रीनाथ का जो अभिषेक महाभिषेक होता है वह किस विधि विधान के साथ होता है, क्या अगर मान लीजिए वहां पे भक्तगण नहीं रहेंगे तो जो वहां के रावण हैं क्या उसी विधि विधान के साथ खाली पूजा ही करेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूं बद्रीनाथ भगवान के यहाँ एक और रहस्य की बात है जो कि भक्तों से छुपा कर के एक प्रक्रिया होती है, जैसा कि इतिहासकारों ने वर्णन किया है कि कपाट जब खुलते हैं तो भक्तों को दूर रख करके जो वहाँ के नंबूदरी पार ब्राह्मण रावल होते हैं वो पार्वती जी की वेशभूषा में साड़ी पहन करके और विधिवत पार्वती जी की वेशभूषा में जाकर के वहाँ एक विधि होती है, उस परंपरा का निर्वहन करते हैं और निर्वहन करने के पश्चात तब जो है कपाट अन्य दर्शनार्थियों के लिए वहां पर ज्योति के दर्शन करने के लिए खोले जाते हैं। तो मुख्य रूप से वैसे तो मैं बताना चाहूंगा कि जब 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं तो नारद ऋषि स्वयं भगवान बद्रीनाथ जी की अर्चना करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और इस प्रकार से यदि कोई भी दर्शनार्थी अथवा भक्तवान नहीं पहुंचेगा तब भी नारद जी तो सदैव करते रहेंगे और उनके वाहन गरुड़ जी वहां विद्यमान रहते हैं। तो मुख्य रूप से मैं यही कहूंगा कि पूजा अर्चना तो उनकी चलती ही रहती है और निरंतर चलती रहेगी। तो आचार्य जी, ये जो 15 दिन का एक समय निर्धारित हुआ है, इस 15 दिन में क्या उस विधि विधान के साथ ही पूजा की जाएगी? देखिए मुख्य रूप से
जब वहां कपाट तो खुलेंगे नहीं जी, और जहां पुत्रा जो है नरसिंह मंदिर में आकर के रखा जाता है जी, वो नरसिंह मंदिर में पूर्व विधि विधान के द्वारा वहां पर उनकी अर्चना पूजा चलती रहेगी। ठीक ठीक है, ठीक है पंडित खुशीराम मेठानी जी, थोड़ा सा दरअसल इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है, तो अगर कोरोना को बीच में न लाया जाए तो हमारी समझ से जो परिचर्चा है वो अधूरी होगी। इस कोरोना महामारी के बीच में अध्यात्म से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन से जाप करने चाहिए, हवन करने चाहिए, और आदमी घर पे बैठा है तो उस घर पे बैठ के क्या करे जिससे उसको शांति मिले और ये जो दुख का पहाड़ सामने दिखाई दे रहा है जल्दी ठहर जाए। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया और मैं ये बताना चाहूंगा संजय जी, जी ऊपर वाले ने ये बात जरूर करी कि सब उड़ रहे थे पंछी की तरह, सारे विश्व के प्राणी उड़ गए थे ऐसी सही बात, एकदम सही, सबके पर भगवान ने काट दिए सही बात, एक बात बोली है बहुत सही बात, हरि भजले हरे भजने का मौका है, हरे भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। इतना अच्छा समय उस परमात्मा ने दिया है कि आराधना करनी है, भगवान को भजना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, तपस्या करनी है, रिद्धि लेनी है, सिद्धि लेनी है। ये भारतवर्षी हमारे 33 करोड़ देवता एक को पकड़ लो, अपने कुल के देवता को, अपने इष्ट को देवता, अपने ग्राम का देवता है ना, कोई दुर्गा जी की पूजा कीजिए, कोई शिव की, कोई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता, किसी भी देवी देवता राम राधा किसी लक्ष्मी नारायण गणेश कार्तिक नंदी किसी को भी एक की पूछ पकड़नी है और हाथ जोड़ करके बस, और बैठ करके सुबह शाम, समय भी मिला हुआ है, और सबसे बड़ी अगर कष्ट हमारे समय काल परिस्थिति सारी आपके लिए है, कम से कम अध्यात्म से जुड़ने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस डिबेट को मुद्दे पे ले आइए माननीय, मैं बद्रीनाथ भगवान जी के इतिहास के विषय में जैसा कि आपने पूछा था कब से प्रारंभ हुआ, तो मैं बताना चाहूंगा कि बद्रीनाथ क्षेत्र को भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा। जैसे स्कंद पुराण में बद्रीनाथ क्षेत्र को जो है मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता रहा, पुराणों पे आते हैं, और सतयुग में यही नाम था। ये बद्रीनाथ जो तीर्थ है, जो क्षेत्र है, सतयुग से लेकर के कलयुग तक है, और मैं पूर्ण रूपेण विवरण के साथ बाई कोटेशन में आपको बताना चाहूंगा। और सतयुग में स्कंद पुराण के अनुसार इसको मुक्ति प्रदा क्षेत्र कहा जाता था, और त्रेता में योग सिद्ध नाम से बद्रीनाथ क्षेत्र को जाना जाता था। और दूसरी बात बताना चाहूंगा कि द्वापर में इसको मणिभद्र आश्रम अथवा जो है पिसाला तीर्थ नाम से जाना जाता है, इसीलिए श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है एकता तू विशालायाम, आचार्य प्रवर मैथाणी जी सुन रहे हैं। तो अभी जो मुख्य बद्रीनाथ के कपाट विषय पर आपने जो डिबेट रखी है, इससे कोरोना की ओर न जाए, थोड़ा सा कुछ इतिहास जान ले कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये बद्रीनाथ भगवान का क्षेत्र है, और मुख्य रूप से अब द्वापर में इसको विशाला तीर्थ अथवा मणिभद्र आश्रम के नाम से जाना जाता था। इसके पश्चात में मैं बताऊं कि कलयुग में इसको बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। यह नाम बहुतायत में जो है पाए जाने वाले बद्री यानी कि बेर, बेर के जो है ज्यादा से ज्यादा अधिकतम वृक्ष वहां हुआ करते थे, इसलिए जैसा कि स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है कि बहुनि संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यति। इस प्रकार से बद्रीनाथ जी के जैसा तीर्थ पृथ्वी लोक में न हुआ है और न होगा, ये सतयुग से ये तीर्थ है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, विशेष रूप से एक मान्यता के अनुसार आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ 6 वर्ष तक थे,
आठवीं शताब्दी में के पश्चात 814 से लेकर के 820 तक यहाँ 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी और जो है बौद्धों से परिपूर्ण ये धरती हुई थी, तो बौद्धों को हटा करके सनातन संस्कृति की पताका को गाड़ने का काम किया था आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने। और एक बात मैं आपको और बता दूं मित्रवर कि यह जो विवरण मिलता है विष्णु पुराण में, महाभारत में और स्कंद पुराण में, इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि आठवीं शताब्दी से पूर्व ये आलवार संतों द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह ग्रंथ नालियर द्वीप प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। और मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा ये सतयुग से लेकर के बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र कलयुग तक है, आगे भी रहेगा। अच्छा जी, और अच्छा जी, वहां पे दो चीज की बड़ी महत्ता है, एक तुलसी जी की और एक गौरी कुंड की, इन दोनों चीज की क्या महत्ता है? एक तो तुलसी जी की और एक गौरी कुंड की। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए जी, नारद जी भगवान विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर में गए, वहां जो है भगवती माँ लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा में लगी हुई थी। नारद जी ने दूर से ही नमन किया और प्रभु से पूछा, तो नारद जी चूंकि देवताओं के ऋषि हैं और भगवान बद्रीनाथ जी के भगवान नारायण की पंचायत में से एक प्रमुख हैं और विशेष रूप से गणों में से हैं, तो नारद जी को न बतला करके और लक्ष्मी जी को न बतला करके विष्णु भगवान तपस्या करने के लिए इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम क्षेत्र में चले आए। अब चले आए तो यहाँ इतना हिमपात होता था कि भगवान विष्णु को पीड़ा न हो तो भगवती लक्ष्मी जी बेर के रूप में वहां उत्पन्न होकर के और आच्छादित कर लिया भगवान विष्णु को। इसके पश्चात संपूर्ण हिम जो है उस बेर के वृक्ष के ऊपर रही और विष्णु भगवान बचे रहे। दूसरी बात ये विष्णु भगवान जी की पूजा में जैसा कि वृंदा के श्राप के कारण भगवान नारायण स्वयं को शिला रूप में परिणत कर लिया था और वो वृंदा तुलसी हो गई, तो भगवान नारायण की जो पूजा होती है वह बिना तुलसी के संपूर्ण नहीं होती है। मित्रवर तुलसी का विशेष महत्व है और वहां ही नहीं जितने भी जगह भगवान नारायण के विग्रह स्थापित है, चाहे वह शिला के रूप में है चाहे मूर्ति के रूप में है, तुलसी जी का बहुत महत्व है। और दूसरी बात उस जिस कुंड का आपने नाम लिया है उस कुंड से जल ले जाकर के भगवान विष्णु जी का अभिषेक होता है और जो वहां के रावल होते हैं वहां पर गौरी यानी पार्वती जी का रूप धारण करके साड़ी पहन करके जाने का इतिहासकारों ने जो लिखा है वर्णन आया, तो उस गौरी कुंड के जल से स्वयं को पवित्र करके और तब कहते हैं कि देव स्वरूपम भूत्वा देवम यजेत, तो जैसा कि देवताओं का यजन करने के लिए पूजन करने के लिए स्वयं वैसा स्वरूप बनाया जाता है, तो गौरी कुंड का जो महत्व है विशेष रूप से और नारद कुंड का विशेष महत्व है मित्रवर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो नारद कुंड से ही वह विग्रह जो भगवान बद्रीनाथ जी का विग्रह है जो मूर्ति है नारद कुंड में से ही निकला था और भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने निकाला था, तो इस प्रकार से वहां स्थापित किया भगवान पूज्य हुए। पंडित 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 खुशीराम मैठानी जी जी, जब पूजा की जाती है सुबह सुबह महाभिषेक होता है और आप लोग भी अपने मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के महाभिषेक और अभिषेक कराते हैं, तो भगवान भोलेनाथ के और भगवान विष्णु जी के अभिषेक और महाभिषेक में अंतर क्या है? अभिषेक महान देखिए जो बद्रीनाथ में अभिषेक होता है जी, वो केवड़ा जो केतकी का फूल जो ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ था जी, तो उसी को श्रापित है तो कि फूल न चढ़ करके उसी फूल को सुखा करके उसका केवड़ा सा जो जल बनाया जाता है और उसकी खुशबू से ही उसका जल को से ही भगवान का अभिषेक होता है। साथ में चंदन को घिस करके पर उसी चंदन और केवड़े को मिला करके तब भगवान का अभिषेक होता है। ओम जासीर खामपुर कहा मंत्र तो एक ही चीज है और दूसरा ऐसे ही
अभिषेक महाअभिषेक अभिषेक पंच गव्य होता है, दूध दही घी शहद शक्कर ये सब मिक्स करके और अलग अलग, पहले दूध से होता है, फिर दही से होता है, फिर घी से होता है, फिर शहद से होता है, फिर शक्कर से होता है, फिर सबका मिश्रण करते हुए फिर चंदन के साथ में केवड़ा मिला करके फिर ऐसे करके भगवान का अभिषेक। हाँ जी 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 जी। नहीं तो जैसे आप लोग कराते हैं भगवान भोलेनाथ का महाअभिषेक कराते हैं, आप वो भी तो पंचामृत से इन चीजों से कराते हैं? हम लोग सब जगह एक ही है, लेकिन जो भू स्वयं भू प्रकृति का जो आलेख लेकर के जो प्रकट होकर के द्वादश ज्योतिर्लिंगानी 12 ज्योतिर्लिंगों में जिसकी जो जली है वहां पे भी वही विधान है। पहले जले नंगेश यमुनी शिवा गोदाम यहाँ पे भी देवस्थान है, जहाँ भी भगवान का है वहाँ कहीं ना कहीं नदी का वास जरूर होता है, वहाँ पे कहीं कोई गंगा रूपी तीर्थ अवश्य प्राप्त होता है और उसी गंगा से पहले सबसे पहले भगवान का स्वच्छता से अभिषेक होता है। फिर गौ माता के आशीर्वाद से गौ घृत जो पंचगव्य है गौ पुत्र है उससे पंचामृत का सब लेपन करके भगवान का शुद्ध स्फटिक के द्वारा जो है भगवान का विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है। जी जी हाँ चलिए अंतिम समय की बाध्यता होती है, अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपने सीधा सा प्रश्न जो किया है कि शंकर जी के अभिषेक में और विष्णु भगवान के अभिषेक में अंतर क्या है जी? तो मुख्य बात यह है जो शंकर जी का अभिषेक है क्योंकि आचार्य श्री जो बैठानी जी बैठे हैं संभवतः हो सकता है आपके प्रश्न को समझ ना पाए हो, तो मेरा ये मानना है कि आपने जो प्रश्न किया प्रश्न पे आते हैं, भगवान शिव जी का जो अभिषेक होता है वह रुद्र सूक्त के द्वारा होता है और भगवान नारायण का अभिषेक जो होता है वह पुरुष सूक्त के द्वारा होता है और भगवान शिव के अभिषेक में श्रृंगी का उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से अगर नील गाय के सिंह के द्वारा अभिषेक किया जाए शंकर जी का तो विशेष महत्वपूर्ण होता है और भगवान नारायण का अभिषेक शंख के द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से जो आपका प्रश्न था अंतर, तो भगवान नारायण का अभिषेक शंख के जल से अथवा शंख में वस्तु में डाल करके किया जाता है, यही मुख्य अंतर है। समय की बाध्यता जैसे आप बताना चाह रहे हैं कि समय की अपनी गरिमा होती है, समय की मर्यादा होती है, समय की सीमा में बंद करके कार्य किया जाए तो अच्छा होता है। तो धन्यवाद आचार्य जी आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय आईटीबी हिंदुस्तान को दिया। धन्यवाद पंडित खुशीराम मेघानी जी। इस महत्वपूर्ण समय में, इस समय पूरा देश पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जहां लड़ रहा है वहां पे आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे समाचार चैनल को दिया। आप सब के लिए एक ही शब्द कहा जाएगा कि आप जैसे लोग अगर समाज में है मार्गदर्शन करते रहेंगे तो हम कितनी बड़ी भी समस्याएं आए कितना बड़ा भी संकट आए हम उसको पार करके विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए आईटीवी हिंदुस्तान।